ये फ्री के परफ्यूम लगा के टेस्ट करे जा रहे हैं सारे के सारे। चालीस की है और अभी यहाँ पे हाई टाइम के हिसाब से 4 बज रहे हैं, तो 1 घंटा 40 मिनट तक हमें यहाँ पे टाइम पास करना है। वो सब गाइस, अब हम यहाँ पर हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे और अब हमें लेना है बस टू पटाया। और पटाया का ऐसा है, आप कैसे भी जा सकते हो, आप प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बट वी वॉन्ट टू गो बाई यूजिंग बस क्योंकि वही सबसे चीपेस्ट हुआ है। और अभी हमें सबसे यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद आपको आना पड़ेगा गेट नंबर 8 पे। तो गेट नंबर 8 पे जाने के बाद हम देखते हैं कि क्या चार्जेस हैं बस के और फिर आपको बताते हैं। ये पीछे देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे ये एयरपोर्ट इसका ही है। पैसा ही पैसा हो गया। क्या क्या नमस्ते नमस्ते। ओ भाई मारो मुझे मारो। कौन सा बड़े लगा भाई, ये देखो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं 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 बहुत बढ़िया रख दो। तो ये चल रहा है वहाँ यहाँ पे और इसके बाद आगे जाकर दिखाते हैं आपको क्या बनने वाला है। तो यार क्योंकि हम थे भूखे और हमारी पहली डिमांड थी पूरा का पूरा खाना खाना, पर यहाँ का खाना देख के यार सच बताऊँ मैं पूरा का पूरा दंग रह गया क्योंकि यहाँ पे जिंदा डक मिल रही है यार, डक मिल रही है, कीड़े मिल रहे हैं, मतलब वेजिटेरियन खाना तो खाने को था ही नहीं। और मैं पहली बार वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था। उसके अलावा मैं कुछ वहाँ पे खा भी नहीं सकता था यार, क्या बताऊँ आपको। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर एयरपोर्ट पे बैठे हैं, स्ट्रीट फूड कॉर्नर पे बैठे हैं और यहाँ से हमारी बस है 5:40 की। एक टिकट हमने जो खरीदी है वो 143 थाई बाट की खरीदी है। अगर आप उसकी जगह पे टैक्सी लेते हो तो वो 2400-2500 थाई बाट की पड़ती है एक टैक्सी। 143 थाई बाट है तो 4 टिकट 600 से कम में आ गई है और आपको 20 kg का साथ में जो है पैकेज अलाउड है, तो ये भी ठीक है। और अब यहाँ पर हम खाने बैठे पर बहुत ही गंदी ज़्यादा स्मेल है, कोई बहुत गंदी स्मेल है। तो हम तो शायद कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे। कुछ खाओगी, कुछ खाओगे यहाँ पे, नहीं खाओगे, कुछ खाओगे आप यहाँ पे, कुछ खाओगे? हाँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, स्मेल देख के कह रहा हूँ खाना पड़ेगा, मजबूरी है। नमस्ते अंकल जी, बस ठीक अंकल जी, बस बढ़िया बढ़िया बस बढ़िया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आगे का आपको दिखाते हैं कि क्या हम खाने वाले हैं यहाँ पे, अगर खाने वाले तो। और बस का पूरा का पूरा वे दिखाते हैं क्या रहने वाला है। बट हमारी जो बस है 5:40 की है और अभी यहाँ पे हाई टाइम के हिसाब से 4 बज रहे हैं, तो 1 घंटा 40 मिनट तक हमें यहाँ पे टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे मज़े लूँगा। बहुत बढ़िया शॉप जहाँ पर अपने को मिल रही है कीवी स्मूदी और क्या बनवाया तुमने, पाइनएप्पल स्मूदी। पाइनएप्पल स्मूदी भाई, बिल्कुल फ्रेश स्मूदी बना के दे रहे हैं यार, मतलब भाई थाईलैंड में जन्नत है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। ओ ऑसम, गाइस यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ जो नॉनवेज खाता हूँ, ये सब के सब वेजिटेरियन है और मैं भी यहाँ पे घबरा गया हूँ क्योंकि यहाँ मिल रही है भाई जिंदा डक और तुम्हारे कीड़े कूड़े, क्या क्या मिल रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेज में सिर्फ फ्रूट्स है और एक ड्रिंक है, ड्रिंक जाके देख सकते हो राइट सामने, राइट ले लेना, जाके देख सकते हो क्या पीनी है तुमने। जाओ गाइस जाओ, जाके देख के बताओ। और ठीक है जी भाई, मैं आपको बताऊँ ना तो भाई वेज वालों की ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। मैं तो नॉनवेज खा लेता हूँ बट भाई चिकन भी खाने का मन नहीं कर रहा यार। खानों के लिए आई यहाँ पर मैंगो स्मूथी और आरती भी रही यहाँ पे पाइनएप्पल स्मूथी, परीक्षा भी रही यहाँ पे रेडबुल। रेडबुल चेक करो भाई, रेडबुल चेक करो, 15 बात में आती है यहाँ पे रेडबुल और खांसी की दवाई लग रही है भाई सच में। और मैं कुछ नहीं पी रहा, मैं कह रहा हूँ तुम लोग पियो, मैं तुम लोग से खुश हूँ, तुम लोग पियो, तुम लोग से खुश हूँ मैं। ये तो एक चेक क्लास नाम से पी रहा है जो ब्लैक कलर के तुम्हारे पास आ रहा है, वीडियो बना रहा है, मतलब वही पी रहा है, दिखा नहीं रहा। छोड़ो छोड़ो छोड़ दे छोड़ दे।
तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमारी बहुत शानदार सी बस हमारे सामने खड़ी थी। बस वाकई बहुत शानदार थी यार। Oh my God! Wow! गाइस अपने बस में बैठ चुके हैं एंड बस जो है काफ़ी अच्छी है। ये रही हमारी टिकट, मैंने कर दिया अपना टिकट कर लो वगैरह। काफ़ी अच्छी बस है और काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। देखते कितनी देर में पहुँचाती है। रास्ते की कुछ नज़ारे आपको दिखाएंगे। और अभी तक का जो है बस का लॉन्ग टाइम थोड़ा वेट था, बस एक ही घंटे में जाती है। बट आपको कब का स्लॉट मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो यार यहाँ से शुरू हुई हमारी बस की जर्नी और बस जो थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पूरी एयर कंडीशन थी। और मैं आपको बताऊँ बस यहाँ से एक एक घंटे में जाती है पटाया के लिए। बट आपको बताऊँ बस आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप यहाँ से टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी की कॉस्ट आपको पड़ती है 2500 थाई बाट, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंडियन रुपीज़ में। तो 143 बाट में काफ़ी अच्छी बस है और बताऊँ काफ़ी कन्वीनियंट वे है आपका जाने के लिए। और मैं आपको नज़ारा देखने वाला था पर मैं सच में वाकई यहाँ पे सो गया, इतनी अच्छी बस थी। तो यार बस ने ऑलमोस्ट लिए हमें यहाँ पे 3 घंटे पहुँचाने के लिए। सफ़र बिल्कुल अच्छा था बिकॉज बस बहुत अच्छी थी और रोड पर हमें छोड़ दिया। हमारा दूसरा स्टॉप था टोल 6 स्टॉप होते हैं, यहाँ से हमें जाना था पैदल। गाइस बस ने अपने को यहाँ पे छोड़ दिया है, हमारा सेकंड स्टॉप था। तो बस आपको ऐसे 4 स्टॉप पर छोड़ती है। तो हमारा जो है होटल यहाँ पे साउथ पटाया में है, इसलिए हम यहाँ पर उतरे हैं। तो आप ऐसे ही अपनी जगह पर उतर सकते हैं। और यही हमारी बस की ट्रिप थी और 143 बस में बैंकॉक से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आते बाकी दिखाते हैं। तो भाई रोड पे चल चलते सबके हो गया पैरों में दर्द, हमने कर ली टैक्सी और टैक्सी की हमने ग्रैब ऐप से और ये हमें पड़ी बहुत ही चीपेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे चीपेस्ट ऐप है अगर आपको बैंकॉक या पटाया में कैब या सर्विसेज यूज करनी है। तो गाइस दिस इज आवर रूम, देखो पूरा रूम है, टॉर्च भी है और ये वॉशरूम है। ये पूरा बाहर का बालकनी भी है जहाँ पे आप 2 लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। ये बाहर का व्यू है, 2 पटाया होटल है आके। सो गाइस कुछ भी नहीं खाया था हमने एयरपोर्ट पे क्योंकि वेजिटेरियन खाना मिला ही नहीं था। तो हम यहाँ पे वेजिटेरियन खाना ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हम सबके सब वेजिटेरियन खाना ढूंढने निकले हैं। और यार यहाँ पे खाना मिलना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूमे, बट घूमने में यहाँ पे मज़ा भी आ रहा था बिकॉज यहाँ की नाइट लाइफ मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ही शानदार वाली है। यार खाने की तलाश हमें ले आई वॉकिंग स्ट्रीट तक और यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे मैकडी भी है। तो हमने फटाफट से खोला अपना डायरेक्शन का पेज और मैप्स के थ्रू ढूंढने लगे मैकडी को, पर मैकडी तो नहीं मिला पर और बहुत कुछ मिल रहा था। तो यार हम मैकडी ढूंढ ही रहे थे कि एकदम एक आदमी हमारे सामने प्रकट हुआ और पूछा कि आप इंडियन खाना खाओगे क्या। हमने बोला भाई क्या बोल रहा तू, तेरी तो तलाश थी। और हम जाके फटाफट से बैठ गए उसके रेस्टोरेंट में और हमने कर दिया फटाफट से ऑर्डर 2 थालियाँ। और मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, खाना बहुत टेस्टी था, थोड़ा सा महंगा था। मतलब एक रोटी हमको पड़ी 42 थाई बाट की जो पड़े 84 रुपीज़। और वहाँ में पता लगा रोटी की वैल्यू क्या होती है यार। खाना ठीक था। इसी साथ खत्म हुई हमारी खाना मुहिम और वॉकिंग स्ट्रीट मुहिम। वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगली स्लाइड में परीक्षा क्या बोल रही है कि क्या हुआ होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जल्दी मिलेंगे थाईलैंड के न्यू ब्लॉग में और इसकी बात सुन लो।